भैया आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइम हो रहा है 11:22। तो आज हमारे पापा का श्राद्ध है, तो उसी का सामान वगैरह लेने गए थे। अभी भाई लेके आया फूल माला वगैरह लेके आया, और क्या लेके आया भाई साथ में? भाई एक मिठाई लाया हूँ, मिठाई का डब्बा लाया है। वो पंडित जी को जिमाना होता है ना, जिमाना मतलब बैठाना होता है, तो उसी के लिए। तो सारे काम कर लिए, फटाफट से नहाते हैं तो फटाफट से रेडी हो गए। पंडित जी कब तक आएंगे भाई साहब? डेढ़ बजे तक आएंगे, तो आज वो करते हैं। तो माइडी बस थोड़ा सा बिजी रहे इसको लेके, मगर जो जब भी बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा आपको अपडेट करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। और यू नो स्कूल की छुट्टी हो गई, हमारे घर के पास स्कूल है, छुट्टी हो गई। काले अंकल जा रहे हैं, लव यू काले अंकल। तो अभी की बातचीत यही है, तो मैंने कहा आपको बता दें। और हाल ही नहीं आ रहे यार, व्हाट इज सो ऑल सेट। आज प्रियंका भी ऑफिस ही गई है, जैसे कि मैंने बताया पापा जी का श्राद्ध है। हो गया मम्मी खाना वाना? खाना बन गया है। अभी आप अभी दिखा रहे हैं लड़ाई। तो क्या क्या बनाया भाई ये तो बताओ। हाँ भाई प्रियंका बता क्या क्या बनाया। सब्जी, आलू गोभी, खीर, रायता और रसमलाई। अच्छा, प्लेट भी दिखाते हैं, पंडित जी से मिलवाते हैं आपको। हमारे पंडित जी आ गए। नमस्कार पंडित जी, मैं आजकल वीडियो बनाता रहता हूँ अपने चैनल के लिए ना, तो जो पूरा दिन में होता है वो सब कुछ दिखाता रहता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जो यूट्यूब पे चैनल होते हैं ना उसके ऊपर माइक गिर गया था। हमारे पंडित जी हमेशा यही आते हैं, शुरू से ही आ रहे हैं। हाँ, दादी का सबका पूरा पंडित जी देखते हैं हमारा। तो ये पंडित जी भोग वगैरह उनके लिए ना, हाँ तर्पण कराएंगे। तो ये पंडित जी का सामान है जो देना होता है, जो कंपलसरी होता है, मतलब ऐसा मतलब जो आप इनको देते हो उस तरह आपके जो यू नो बड़े हैं उनको ही लगता है। तो अभी उनको भोजन वगैरह भी कराएंगे, खाना वाना खिलाएंगे पंडित जी को, तो सीधा पापा को लगेगा। तो बस यही था अभी तक अपडेट। और आज दिया उधर पढ़ती हुई राइट आते ओके। कल लास्ट पेपर है सब। अभी की बातचीत बस इतनी थी, मैंने कहा वो बता दे। अब जब पंडित जी बैठते हैं उनको खाना वाना खिलाते हैं। और आप कहो रे विख्यात भाई टिन 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 टिन। तो पकड़ लो एक लाइक और बात करो ये बाद में सबसे तो लिया करो किसी ने पैसे तो पूरे किए या उसके पत्ते को अच्छा वो पत्ते में कोई वैसे ले लिया करो पत्ते में भी काम करो पत्ते होते हैं। हां हां मनी प्लांट तो हमारे छह पत्ते ले आओ मनी प्लांट कैसे रखोगे ध्यान ले आओ। ये पंडित जी का भोजन आधे पानी पानी लेके आइयो बेटा, वो गर्म तो नहीं भाई ना ना हैं बाला कराओ चम्मच एक वाला हाथ लगा दो ऐसे बात जय जय कर ले पंडित जी को जय करो नहीं इनको खाना वाना खिलाते हैं। जो आपको दिखाना था मतलब हमारा ट्रेडिशन जो है हमारे हिंदू धर्म का वो आपको दिखाया सनातन धर्म का। तो पंडित जी को खाना वाना खिलाते हैं, अब आपसे बाद में मिलेंगे और मतलब उनकी पर्सनैलिटी उनका हर चीज एक नंबर। साइज सही भी पानी ठंडा है ना और है सही पड़ी
ला रहा हूँ। चलो मिलते हैं दोबारा। सो भाई साहब आ गए हमारे संजय भैया, दीजिए भाई साहब चाबी। अब ऐसा है देखो ब्लॉक के अंदर आ रहे हो आप, प्रॉपर बाइक हो जानी चाहिए बिल्कुल मजेदार बढ़िया हैं बढ़िया। ऑयल कौन सा डालोगे? कैस्ट्रोल का? नहीं कैस्ट्रोल नहीं, मोटिल मोटर का। हाँ मोटिल डालना। और काम एक बार दोबारा बता रहा हूँ हैं, वो नोट रख के कब दोगे भाई? कल बुधवार को। बुधवार को बाइक मिलेगी, सोचा था ब्लॉक करूँगा उसको बट नहीं कर पाया। बीच बीच में एक काम करना छोटा सा, कैमरे वाला फोन तो है ही आपके पास। हाँ, जब ऑयल डालोगे उसकी एक वीडियो बना लेना। ओके वो मेरे को दे देना ना, वो मैं फिर ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा। डालते टाइम जो काम कर रहे हो जो सर्विस कर रहे हो लड़के बोल देना आपकी करते हो सर एक वीडियो बना ले, बाकी वो मैं देख लूंगा ठीक है ना। जैसे खोलते टाइम जो मेन मेन काम होगा उसकी वीडियो बनाते रहना ठीक है ना। इतना ज्यादा जम्बल डप हुआ पड़ा है ना मैं बता नहीं सकता। अभी पंडित जी गए फिर बाइक वगैरह दी सर्विस के लिए और अब खाना देने जा रहा हूँ एक गार्ड का। डबल में आज जो रिलीवर था वो आया नहीं तो वो देने जा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया भूखे पेट तो भजन नहीं होता, तो नौकरी तो कैसे होगी। तो ये हमारा कर्तव्य है एज अ गुड एंटरप्रेन्योर कि अपने जो एम्प्लॉयज का ख्याल रखा जाए। तो बस वही देने जा रहे हैं, खाना पैक करा लिया है उनको देते हैं फिर अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और ये हमारा अशोक विहार का रामलीला ग्राउंड है, तैयारी शुरू हो गई है, इस बार आपको लेकर आएंगे। और भाई साहब यहाँ का खाना छोटे लाल की कैटरिंग होती है, छोटे लाल की आई थिंक, हाँ। और क्या खाना बनाता है मज़ेदार, दिखाएंगे आपको, आप कहोगे व्हाट इज क्या कह रहे हो लड़के। सो फाइनली अब भैया पेट पूजा का टाइम, प्रियंका भावना प्रियंका भाई मम्मी बैठी है, देखो इन्होंने कितने सारा खाना दिया है। वाला अपने नए शूज तो दिखा दो, न्यू शूज। तो खाना खाते हैं अपने प्लेट में, मूली का लच्छा, आलू गोभी, आलू की सब्जी, पूरी और रायता की खाना खाते हैं। अब आपसे बाद में मिलेंगे। और बाइक चली गई अपनी, बाइक हो जाएगी बिल्कुल मस्त बिल्कुल मज़ेदार। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर तो वो सारी रेक्टिफाई करनी है। बारा नए शूज दिखा दो अपने, ची लाइट चला के दिखाओ, वाला दिखाओ। वाह वाह चल रही चल रही है, बहुत सुंदर। किसने मंगाए हैं ये शूज? पापा नहीं। ओके मिलते हैं दोबारा से एंड कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉक को आगे। ये देख रहे ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वैसे जी आप, मैं प्रैक्टिकल सोचो आराम से अगर भूकंप आया जी फिर ताश के पत्तों की तरह रह जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये अर्थक्वेक प्रूफ होंगी बोलते तो है वैसे कि अब जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है अर्थक्वेक प्रूफ होती है। सो ये तो चलता रहेगा, अर्थक्वेक आएगा आएगा, बिल्डिंग रहेगी रहेगी, जो होना है सो होना है, उसे ना आप बदल सकते ना मैं। काल तो एक ऐसा सत्य है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते। तो आज का ज्ञान हो गया बहुत सारा। तो अभी हम दोनों निकले हैं थाने से, थाना भारत नगर। जैसे कि हम दोनों मेंबर्स हैं RWA के, हमारे एरिया के जो RWA है। तो कल जो मैंने बताया था लास्ट में एक इंसिडेंट हुआ तो उसकी हमने एक रिपोर्ट यू नो लेटर लेके दिया टू द SHO, तो उसी रिगार्डिंग गए थे। 1.5-2 घंटे वहीं लग गए और अब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इंद्रपुरी, वहाँ पे एक छोटा सा काम है वो पूरा करते हैं। एंड अभी की बातचीत बढ़िया, श्राद्ध पापा का बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छे से कर लिया भाई, भाई ने सारी तैयारी कर ही ली थी। तो अभी की जो बातचीत है वो कुछ ऐसी है, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, यहाँ नहीं वो ढूंढ पाओगे, यहाँ शायद ढूंढ पाए, मेरे हिसाब से तो नहीं ढूंढ पाओगे। तो राइट नाउ द टाइम इज 9:44 और कल आते क्लास पेपर, उसके बाद बच्ची भी फ्री हो जाएगी, टेंशन खत्म, पैर की मजे मजे बच्ची के लिए मजे मजे करेगी। फिर
तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि लास्ट हम कब मिले थे मुझे भी याद नहीं है, शायद लास्ट हम डाइनिंग टेबल पर मिले थे जब लंच किया था, उसके बाद फिर आरडब्ल्यू के कॉल वगैरह आते रहे, फिर लेटर यू नो ड्राफ्ट किया, फिर फेयर किया, फिर गए थाने में, तो बहुत लंबा प्रोसेस था बीच बीच में। तो यही है अभी की बातचीत है, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब बॉम्बास्टिक है। तो दोबारा मिलते हैं आपसे और आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। जो भी वीडियो इस टाइम घर से देख रहा है ना, ये इंसान नहीं सुधरेगा। मतलब मैं पैसे देते हुए वीडियो बनाया करूं? हाँ, हम एक काम से गए थे, वो काम हुआ नहीं, उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया वो दिखाता हूँ आपको। अब इससे पहले घर वाले बोले भाई पिज्जा की चीज मंगवा ली, कुछ नई चीज आई हुई थी, क्या हो गया? मतलब एक नंबर फुल्ली लोडेड गार्लिक ब्रेड बनी, कुछ और है, कुछ और आ रहा था उसमें, कुछ और आ रहा था, ये मंगवा ली भाई। तो ये है, और कोई घर वाला बोले तो मैंने बता दूं कि अब भूख लग रही थी तो कुछ खा लिया, भूख भी लग रही थी और थोड़ा मूड भी खराब हो गया था। अब अगर इंसान का मूड खराब हो गया हो तो उसकी खुशी का रास्ता कहाँ से जाता है? पेट से। पेट से। अब पेट पेट खुश तो हम खुश, तो दैट्स व्हाई वी ऑर्डर्ड दिस। नॉट वी, इट्स ऑर्डर्ड बाय विज्ञान शांडिल्य। नो, चल झूठा। यस, तो अभी खाते हैं, मतलब आपको इसकी एक बार वो टेक्सचर वो दिखाता हूँ, चीज देखो आप एक बार। टेम्पटिंग है भाई सब, मतलब मजेदार थिक क्रस्ट। घर वालों को भी खिलाना पड़ेगा। बात तो सही है। तुम्हारे ये टेस्ट कर रहे हैं भैया, तुम्हारे लिए ये भैया अपने टेस्ट, ये टेस्ट कर रहे हैं घर वालों, घर वालों तुम्हारे टेस्ट कर रहे हैं। खराब तो नहीं है? हाँ, कहीं खराब हो तो तुम्हें मजा ना आए। जैसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, वो पुराने टाइम में राजाओं को खाना खिलाने से पहले प्रजा वो उनके सेवक टेस्ट करते थे, तो ऐसे हम भी टेस्ट करते थे। राइट नाउ द टाइम इज 11:15, बस दो छोटे छोटे काम रह गए हैं, वो करते हैं और ये खाते हैं, एंड आपसे दोबारा मिलते हैं घर पहुंच के। यार समय हो रहा है 1:36 और माइक भूल गया था अपना, वो लेने आए थे, 10 मिनट हुआ है अभी घर पे, 1:26 पे आ गया था वापस। मेरी माता जी बैठी है अंदर। एक कहानी घर घर की में बात ही है जो कभी नहीं मरने वाली औरत थी, एक ये है, ये भी देख लियो मुझसे लिखवा ले, ये कम से कम 17-18 साल जिएगा, ये 17-18 साल जिएगा, ये जिसकी हालत है ना फिट है, बिल्कुल फिट है, ये 17-18 साल से पहले नहीं जाता। और मुझे लग रहा है गिरीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ना तोड़ दे, 30-32 साल वाले करते मजा आ जाएगा। अगर तुमने एक काम कर दिया तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। तो नहीं मजाक नहीं भाई, और थोड़े से बचे 17-18 साल और 19 साल, ठीक है, 12 भी बड़ा हो जाएगा, अब तक आधे भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये पीछे बंद कर दो एक मिनट, इतने कॉपीराइट ला चुका हूँ ना मैं, वो एक आ गया मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल कर दिया है, हाँ वो भी देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, तो आराम से बैठे देखूंगा, और वही टेंशन हो रही थी। हाँ वो एडसेंस अकाउंट ही डिसेबल कर दिया मेरा, पता नहीं क्या है। तो भैया घर पे आ गए, खाना लग गया है सेम जो दिन में खाया था। तो जैसे कि मैं हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऐसा कौन एक तंत्रा मारता है, एक बड़ा मोटो ब्लॉगर है ना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो भैया आलू की सब्जी खाते हैं, आलू गोभी खाते हैं, रायता खाते हैं, और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तो वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, ऑलवेज बी अ गुड प्रोडक्टिव डे बाय राइटिंग एंड फैशन यू थिंक वेल व्हाइल ड्राइविंग टू हैशटैग स्ट्रक्ट लाइफ। अब मैं आखिरी की लाइनें बोल तो देता हूँ, मगर बहुत टाइम से मोटो ब्लॉग नहीं हो रहा है, तो आई विल ट्राई कि कल मोटो ब्लॉग हो और आपको दिखाएं, थोड़ा सा ज़रूरी है कल। वो इंटरव्यू कब आएगी? 2 दिन बाद, वेडनेसडे। मिलते ही है ऐसे किसी बड़े से ब्लॉग में, तब तक बहुत ध्यान रखे, बहुत संभल कर रहा था,
ये फंबल डाल दूंगा मैं। तो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज रेखा चैनल है। तो गुड नाइट, शब खैर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। मैं भाई हूँ पैरासिटामोल में तो हर दर दवाई हूँ, गीता पर हाथ है सच की गवाही हूँ, खुद के लोग आई हूँ सर वाला था पहले बेस में खुद का जवाई हूँ।